चैप्टर हमारा जो सेल्कोहल, तो आज हम टेस्ट का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर देखिए सो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोलता है प्रीडिक्ट द, क्वेश्चन नंबर 9 हमारा बोल रहा है दोस्त प्रीडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट ऑफ एसिड कैटलाइज डिहाइड्रेशन ऑफ ब्यूटेन 1O। तो सबसे पहले जा रहे हैं ये ब्यूटेन 1O क्या होता है, तो चार कार्बन के एल्कोहल को हम लोग ब्यूटेन 1O कहते हैं। फिर जाने की ये डिहाइड्रेशन क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से जब वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालते हैं तो उसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। फिर समझेंगे ये हमारा एसिड कैटलाइज क्या होता है, कैटलाइज हमारा कैटलिस्ट से आया हुआ है और एसिड के रूप में लेके कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को प्यार से एसिड कैटलाइज कहते हैं। फिर समझेंगे मेजर प्रोडक्ट क्या होता है, तो एक ऐसा प्रोडक्ट जो मोर अमाउंट में बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो ज्यादा मात्रा में बनता हो, एक ऐसा प्रोडक्ट जो भर भर के बनता हो, उसको हम लोग मेजर प्रोडक्ट कहते हैं। अब देखिए दोस्त क्वेश्चन हमारे क्या बोला है, बोला ब्यूटेन 1O से वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर निकालिए कैटलिस्ट के रूप में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को लेने पर, तो बनेगा मेजर प्रोडक्ट, तो उस मेजर प्रोडक्ट को आप पहचानिए। तो अब आते हैं हम लोग सॉल्यूशन में, अब हम लोग करते हैं सॉल्यूशन। तो ब्यूटेन 1O ले हमारा, ब्यूटेन 1O का फॉर्मूला भी हमारा CH3 CH2 CH2 CH2, और ये भी हमारा OH2। तो चार कार्बन के अल्कोहल को हम लोग लिखने में ब्यूटेन 1O कहते हैं, और ब्यूटेन 1O का रिएक्शन कराना है हमको कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का काम है डिहाइड्रेशन कराना। यहाँ पर देख सकते हैं हम दोस्त कि फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन को बोलते हैं अल्फा कार्बन, और अल्फा का बगल वाला कार्बन को बोलते हैं बीटा कार्बन। तो अल्फा से हम लोग लेंगे OH ग्रुप को और बीटा से लेंगे हाइड्रोजन ग्रुप को, जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड OH बेस है। तो जिस तरह बीटी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया, और अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर डबल बॉन्ड लगाना CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 है, तो प्रोडक्ट के रूप में लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। फिर आगे बढ़े तो सिंगल बॉन्ड और CH है, क्योंकि बीटा से एक हाइड्रोजन बाहर चला गया, यहाँ पर बचा हमारा सिंगल बॉन्ड CH, और अल्फा से हम लोग OH ग्रुप को बाहर निकाल दें, यहाँ पर बच गया हमारा सिंगल बॉन्ड CH2। और यहाँ पर देख सकते तो कि अल्फा और बीटा के बीच यहाँ पर लगाना डबल बॉन्ड, यहाँ पर लगा देंगे डबल बॉन्ड, प्रिंसिपल चेन हो गया फर्स्ट कार्बन सेकेंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन, तो चार कार्बन के लिए रूट बॉन्ड हो गया ब्यूट, डबल बॉन्ड के लिए ई, तो चार कार्बन के अल्किन को यूपेक नेम में ब्यूटीन बोलते हैं। अब देखिए दोस्त चार कार्बन के लिए रूट बॉन्ड हो गया ब्यूट, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पर लिखिए एन, वन पर है एल्कोहल तो एल्कोहल के लिए सेकेंडरी सफिक्स के रूप में और लिखते हैं, तो यहाँ पर लिख दिया हम 1O, इस कंपाउंड का यूपिक नेम हो गया ब्यूटेन 1O। तो जब ब्यूटेन 1O का रिएक्शन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करते हैं तब मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूटीन बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। इस तरह हमारे दोस्त फुल एंट्री में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन खत्म हुआ। तो दोस्त काश दो दिनों के सीने में एक दिल टूट भी जाता है, इसलिए तो तकलीफ ना होती मानसू कुमार को जीने में।